कि गर्मियां हो गई है ना, वहां भी यही हाल है। हाँ एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। 15 दिन मैं घर में लगा के अब आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए आई थिंक 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। मैं 5 तारीख को आई थी रात को, और उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि घर इतना फैला हुआ था ऊपर का। 15 दिन तक ना मैं थी ना संकल्प थे, कोई भी नहीं था, तो घर इतना ज़्यादा फैला हुआ था, इतनी धूल हो गई थी ऊपर। सफाई के लिए हेल्पर आ रही थी बट वो उस तरह से नहीं करती जब कोई रहता है तो जिस तरह से वो करता है। तो इतना इतना गंदा हो रखा था, तो सारा कुछ साफ़ किया। एक दिन तो मैंने आराम किया, अगले दिन मैं लगी, तो उसमें मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। अब आज से मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। मेरा पूरा डिनर बन चुका है, बस थोड़ी देर में अब हम खाना खा लेंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों को सोच रही हूँ कि एक टैरो की प्रिडिक्शन इस व्लॉग में ही दूँ। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आगे भी जाके मैं इसी तरह से मतलब व्लॉगिंग में ही कंटिन्यू कर दिया करूँगी अपना एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें टैरो होगा, कुछ रेमेडीज़ होंगी, बहुत तरह तरह की चीज़ें आएंगी, व्लॉग के अंदर ही आएंगी। अगर व्लॉग ही पसंद आएंगे लोगों को तो देखते हैं। तो आज एक टैरो की प्रिडिक्शन मैं आपको दे रही हूँ। दूसरे कमरे में आके मैं प्रिडिक्शन दे रही हूँ टैरो की, पर पता ही नहीं यहाँ का रिमोट कहाँ पे है, आई मीन एसी का रिमोट कहाँ पे है। इतनी देर हो गई मेरे को ढूंढते हुए, बट क्योंकि एसी के बिना तो इस रूम में बैठा नहीं जाएगा और फिर प्रिडिक्शन मैं दे नहीं पाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स लगाए हैं। पाइल नंबर, पाइल नहीं कहेंगे, कार्ड से कह देती हूँ क्योंकि इसमें पाइल नहीं लगाई है मैंने। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। तो आज की जो मैं टैरो की प्रिडिक्शन दे रही हूँ वो सिंपली येस और नो के बारे में है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है येस और नो से रिलेटेड जिसके अंदर आंसर किया जा सके, तो आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3। जिन भी लोगों ने कार्ड नंबर 1 चूज किया है उनका आंसर आया है डेविड। अब मैं इसका मतलब आपको कैमरे के सामने आके बता देती हूँ। रिमोट तो मेरे को नहीं मिला उस रूम के एसी का, तो मैं इसी रूम में आ गई अपने कार्ड्स लेके। चलिए, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था उनका आया था द्रविड, द्रविड और द्रुड जो भी कह सकते हैं इसको। तो इस कार्ड का मतलब है, अगर आपका क्वेश्चन यस और नो से रिलेटेड है, तो इस कार्ड का मतलब है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी तरह का आपने अपना क्वेश्चन किया है, उसको अभी आप और सोचिए, और सोचिए उसके बारे में। अभी आपको उसके बारे में सारी बातें पता ही नहीं है, आप नहीं जानते कि आपको वो काम अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस और नो की बात तो बहुत दूर की है, अभी यस और नो का आंसर आपके लिए नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी सडन मूव, कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप का कोई भी क्वेश्चन है, नो मैटर को क्या क्वेश्चन है आपका, पर आपको किसी भी तरह का अभी कोई डिसीजन नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। इस कार्ड के अकॉर्डिंग तो यही आंसर आया है
कि येस और नो दोनों में से कुछ भी नहीं है, आप फिलहाल के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी चीज़ें आपके आगे खुलेंगी, अभी पूरी चीज़ें आपके आगे खुली हुई नहीं है, अभी फिलहाल के लिए कोई डिसीजन मत लीजिए किसी भी तरह का। आपके लिए अगर आप डिसीजन लेते हैं इस टाइम पे, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके आपको रिग्रेट हो। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड आया है, थोड़ा सा सोचिए सिचुएशंस के बारे में, लोगों से डिस्कस कीजिए इसके बारे में, और उसके बाद कोई भी फैसला लीजिएगा। जिन भी लोगों ने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, उनका कार्ड आया है एल्डर। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, उनका आया था एल्डर। तो इस कार्ड का आंसर अगर आप येस और नो में जानना चाहते हैं, तो आंसर है येस। आप जो भी काम करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग, ये मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपके जो ट्रेडिशन है उनसे थोड़ा सा हटके हो। आप हो सकता है अपने एल्डर से थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रहे हो, और आप चाहते हैं कि जो आप ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसका जो आंसर है वो है यस, आप वो काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, काफ़ी लोग कहते हैं कि आपने जो मेरे को प्रिडिक्शन दिया, आई मीन जो ये वीडियोस देख के कहते हैं, वो हम पे सेट नहीं बैठ रही। तो नॉर्मल सी बात है, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, इतने सारे लोगों को मैं एक साथ दे रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोगों पे बैठेगी और कुछ लोगों पे नहीं बैठेगी। बट नॉर्मली मैक्सिमम टाइम पे ये जो प्रिडिक्शन होती है, अगर आप इसको ट्रस्ट करते हैं तो ठीक जाती है। मैंने नहीं देखा, एक दो लोग होते हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए आते हैं, उनके ऊपर हो सकता है कि ये जो प्रिडिक्शन है वो सही ना बैठे। अगर आपको ट्रस्ट है और आपने पूरी फेथ से कोई एक कार्ड चूज़ किया है, तो वो 100% ठीक ही निकलता है। जिन भी लोगों ने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था, उनका कार्ड आया है माउंटेन्स। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 चूज़ किया था, उनका आया था माउंटेन। तो येस और नो अगर आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है बहुत स्ट्रॉन्गली येस। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, नो मैटर व्हाट, उसका आंसर येस है। माउंटेन आया है, जैसे माउंटेन, अच्छा यहाँ पे एक एडवाइस है, जैसे माउंटेन बहुत स्ट्रोंगली खड़ा रहता है अपनी चीज़ों के लिए, जैसे बहुत डीप रूटेड होता है अर्थ के अंदर और ऊपर स्काई तक जाता है, इतना स्ट्रोंग होता है, बहुत सारे एनिमल्स को घर देता है, इंसान रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसे ही जितना स्ट्रोंग माउंटेन होता है, उतना स्ट्रोंगली आपको अपनी उस चीज़ पे अड़े रहना है। जो भी आपका क्वेश्चन है येस और नो से रिलेटेड, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उसके अंदर। आपको बिल्कुल भी ये सोचने की बात नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा, बट हाँ, आपको ट्रस्ट करना है, आपको अपने जो आपका काम है उसके प्रति आपको वफादार रहना है। मैं कह सकती हूँ कि आप आगे जाके बहुत से लोग जो हैं वो आपको इस काम के अंदर सपोर्ट करेंगे। अगर अभी नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आगे जाके लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे, बस आपको अपना जो डिसीजन है वो चेंज नहीं करना। तो ये थी 3 कार्ड्स की प्रिडिक्शन। जिन भी लोगों को पसंद आई हो, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिना कमेंट के मत जाइएगा, ठीक है। और अब हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। आज वैसे खास कुछ दिखाया नहीं है मैंने व्लॉग में, क्योंकि मैं काम में लगी हुई थी जैसे मैंने आपको बताया। अब होपफुली कुछ दिन तक तो मेरे घर में काम थोड़ा कम है, तो हम व्लॉग पे कंटिन्यू करेंगे। और अब चलते हैं खाना खाने के लिए। पीछे का इग्नोर कीजिएगा जो मेस है, मेरे को अपने ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना है, मैंने कई दिन से साफ़ नहीं किया है। इतनी सफाई होती है घर में, इतनी सफाई होती है तो फिर भी गंदा हो जाता है। 2 दिन पहले साफ़ करो और फिर वैसे का वैसे, बट क्या करें, करना तो पड़ता है।
मैं तो अच्छा खासा चमक रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा मुंह मोटा हो गया है। वो थोड़ा थोड़ा मेरे कंपैरिजन में आना चाहिए ना। नहीं, मेरा मुंह बहुत मोटा हो गया है यार। स्वेलिंग सी कैसे आ रही? मेरी किडनियाँ तो ठीक हैं। मेरी किडनियाँ तो खराब नहीं है कहीं। और पी लो चाय। चाय और अब चाय चाय नहीं मिलेगी अब इनको। मेरी किडनियाँ ठीक हैं। नहीं, इनकी मेरे मुंह पे सूजन वैसे ही है, वो दाढ़ी ज्यादा है इसलिए। नहीं, चुप हो जाओ। चाय नहीं, ये आ चुका है व्लॉग के अंदर। इन इतनी चाय पीते हैं, इतनी चाय पीते हैं, किडनी तो किडनी तो खराब हो गई ना। 3 कप चाय कुछ नहीं होता है। 3 कप चाय में, 3 कप चाय, 1 कप चाय भी नुकसान देती है। मैं पीती हूँ चाय। कॉफी पीती हो तुम तो? कॉफी तो नुकसान नहीं देती है। चुप रहो तुम। मेरे को भगवान शिव ने भी जहर पिया था तो ये जहर भी थे। हम शिव जी के भक्त हैं, हम चाय तो पी सकते हैं। तो उनका लीवर नहीं खराब हुआ था, किडनी क्या पता क्या क्या नहीं खराब हुआ था। वो बेचारे सह गए उनका। हाँ, तो आप सह नहीं पा रहे ना। क्यों नहीं सह पा रहा? मेरा तो मुंह ही तो सूजा है बस। धीरे धीरे सब जगह आ जाएगी सूजन, फिर मैं क्या करूंगी बताओ। उसे मोटापा भी कहते हैं वैसे। तो शादी भी नहीं हुई है, इसे मोटापा भी कहते हैं वैसे। जरूरी कोई है कि किडनी में ही खराबी हो तो पहले क्यों नहीं बोल रहे? पहले गए थे मेरे, इनकी चाय पे बात आ रही है ना। मोटापा तो खुद को क्यों बोलूं कि मैं मोटा हो रहा हूं? तो किडनी खराब है। चलो चलो, किडनी खराब है। अच्छा बोलना कुछ तो। ये खुद बड़ा अच्छा बोलते हैं थोड़े। हम घेवर लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ, हाँ। और आके हम, मैं अकेले में बताऊंगी, ये नहीं होंगे उस वक्त कि इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पे क्या दिया। मम्मी के घर गई थी और मार्केट गए थे जैसे कि आपने देखा। और अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए, इसलिए आज का व्लॉग यहीं तक ही रहेगा। और संकल्प ने मेरे को क्या दिया ये आपको मैं कल के व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और बहुत अच्छी चीज़ दी है उन्होंने, मेरा दिल खुश हो गया था देख के। पहले तो मैं कई बार कह रही थी, मैंने कहा एनिवर्सरी चली गई है और आपने मेरे को अभी तक कुछ दिया नहीं है। तो ये मुझे कह रहे थे कि तुम के अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें क्या दूँ। तो मैंने कहा इतना टाइम हो गया सोचते सोचते और आपने मेरे को अभी तक कुछ दिया नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मुझे क्या दिया, ये हम कल की वीडियो में बताएंगे। और अभी तो बहुत देर हो चुकी है, 10:15 हो गए। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक ही रहेगा। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। संकल्प तो खाएंगे नहीं तो थोड़ा सा कट करके मैं इसको अब गरम करने वाली हूँ। नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मीठा खा लेती हूँ। संकल्प को ही लगी रहती है मीठा नहीं खाना, मेरे को तो अच्छा लगता है। मैं तो मॉर्निंग में उनका वेट ही इसलिए करती हूँ ताकि मैं घेवर खा सकूँ। मेरे फ़ोन की हो गई है बैटरी डेड और मैं संकल्प के फ़ोन से बना रही हूँ। और मुझे यहाँ पे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ना मेरी आंखें आप लोगों को ऊपर नज़र आ रही होंगी क्योंकि इनका कैमरा ना नीचे है, मेरा कैमरा ऊपर है। तो मेरे को ना आदत हो गई है ऊपर देखने की, और यहाँ पे तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरे पसीने को इग्नोर करना। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं मेकअप करके आती हूँ वीडियो के सामने, बट नहीं, एकदम रो फेस है मेरा। मतलब मैं कुछ नहीं लगाती हूँ अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र के अलावा। किसी ने ना मेरे को कमेंट किया हुआ था कि आप इतना मेकअप करके आते हो कैमरे के सामने, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेकअप होता तो आपको मेरे हाथ पे कुछ नज़र आता, बट
मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे ना वीडियो बना के इस कैमरे से, क्योंकि अब आई थिंक गेवर हो चुका है गर्म, देखते हैं। हाँ, घेवर को कितने लोगों ने ना गरम करके खाया। आई नो काफ़ी लोग कहेंगे कि आप हर एक चीज़ को गरम करके खाते हो, तो मैं तो जो भी खोए वाली चीज़ होती है ना उन सब चीज़ों को मैं गरम करके खाती हूँ, और आप भी कभी ट्राई करके देखना, इतना अच्छा लगता है ना, मतलब दो गुना ज़्यादा उसका ना टेस्ट हो जाता है अगर आप खोए वाली चीज़ को गर्म करके खाओ। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, यहाँ पर बहुत गर्मी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब घेवर लेने के लिए गए थे ना तभी संकल्प कह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, पर अब मैं अकेले खाऊं तो ऐसा ना अच्छा नहीं लगता, ज़बरदस्ती ना थोड़ा सा मैं उनको खिलाऊंगी, देखते खाते आई। अभी ना वॉक कर रहे हैं और वॉक करते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, और मेरे को कह रहे हैं तो मुझे मीठा खिलाती रहती हो उसके बाद मेरे को ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा तो मैं इनको घेवर खिलाने वाली हूँ, देखते हैं खाएँगे या नहीं। एक स्पून मैंने इनको खिला दिया और इन्होंने खा भी लिया, और मेरे को अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अब इसके बाद और नहीं खाऊंगा। मेरे को तो नहीं, नहीं। वॉक कर रहे हैं इसलिए मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वॉक थोड़े आपत्तिजनक तरीके से कर रहे हैं। चलो चलो कोई नहीं, नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे, मैं अपना ही ले रही हूँ। कपड़े मैंने चेंज कर लिए और अब मैं खाऊंगी अपना घेवर आराम से, और टाइम देख रहे हैं आप, पता है क्या हो गया है, कर यहाँ पे कहीं नज़र आ जाए, 10:45 हो चुके हैं और अब हम जाएंगे सोने, और आज का व्लॉग हमारा यहीं तक। दूसरे वाले कैमरे से जो शूट किया है ना उसके अंदर मेरे को इतनी अच्छी क्लिप लगी नहीं है, बट अब जो भी है मैं वो डाल रही हूँ, और इग्नोर करें मेरे बालों को, मैंने कई दिन से इनको धोया नहीं है। तो आज का व्लॉग यहीं तक, आई होप आपको वो टैरो की प्रेडिक्शन भी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे भी जाके टैरो की प्रेडिक्शन आपको दे सकूँ।